अब तक हम लोगों ने घन और घनाभ का आयतन निकालना सीख लिया है। अब हम लोग बेलन के आयतन के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एक वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, पर अगर हम एक वृत्त के ऊपर दूसरा वृत्त रखें तो ये सभी वृत्त एक नया आकार ले लेंगे और इस आकार को हम बेलन कहते हैं और अंग्रेजी में सिलेंडर। अब हम यदि इस बेलन की ऊंचाई को h मान ले तो अब बेलन का आयतन कुल वृत्त के क्षेत्रफल और बेलन की ऊंचाई के गुणनफल के बराबर होगा, जिसे हमने यहां पर लिख दिया है। हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्र पाई आर स्क्वायर होता है और बेलन की ऊंचाई h यूनिट दिया हुआ है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर h होता है। इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, एक बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। इस बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है? इसका हल देखते हैं। हमें क्वेश्चन में ऊंचाई की लंबाई 25 सेंटीमीटर दी हुई है और हमें त्रिज्या को आर यूनिट मान लेंगे, तो बेलन के आधार की परिधि हमें 132 सेंटीमीटर दी हुई है। अब हम जानते हैं कि बेलन का आधार की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। परिधि का मान रखकर सॉल्व करने पर हमें त्रिज्या की लंबाई के सेंटीमीटर मिल जाती है। अब हम लोग को बेलन का आयतन निकालना है। जैसा कि हम जानते हैं कि बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब त्रिज्या और ऊंचाई का मान रखकर सॉल्व करने पर हमें बेलन का आयतन मिलेगा 34,650 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम जानते हैं कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर होता है, इसलिए 34,650 सेंटीमीटर क्यूब 34.65 लीटर के बराबर होगा। इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। धन्यवाद।